दिखने में स्पाइसी और खाने में स्वादिष्ट। घर पर आसान तरीके से बनी हुई पीनट वाली स्वादिष्ट सूखी चटनी। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर, आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं पीनट वाली स्वादिष्ट सूखी चटनी की रेसिपी। पीनट वाली ड्राई चटनी बहुत कम सामान में बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे पीनट वाली स्वादिष्ट सूखी चटनी आसान तरीके से कैसे बनाएं। ड्राई पीनट चटनी बनाने के लिए हमने सामान ऐड किया है 1 किलोग्राम मूंगफली के दाने, 50 ग्राम कम तीखी वाली लाल मिर्च, 100 ग्राम साबुत धनिया। पीनट वाली सूखी चटनी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 100 ग्राम लहसुन। इस तरह से हमने पीनट वाली सूखी चटनी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सारे लहसुन को छील लेंगे। चाकू की सहायता से लहसुन के ऊपर के सारे छिलके हटा देंगे। इसी तरह से सारे लहसुन को छील लेंगे। हमने सारे लहसुन को छील लिया है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले हम पीनट को रोस्ट करेंगे। पीनट रोस्ट करने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में सारे पीनट को डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और पीनट को लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। पीनट अच्छे से सीख नहीं जाते तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भुनना है, वरना कहीं जगहों ये कच्चे रह जाएंगे और कहीं जगह जल जाएंगे। हमें मीडियम आंच पर पीनट को भुनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। पीनट अच्छे से सीख गए हैं, इनमें से चिटकने की आवाज भी आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम पीनट को 2 से 3 मिनट तक फिर से लगातार चला देंगे। कढ़ाई गर्म है, यदि हम इन्हें ऐसा ही छोड़ देंगे तो पीनट जल जाएंगे और चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। गैस बंद करने के बाद हमें पीनट को चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। पीनट थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। जब तक पीनट पूरी तरह से ठंडे नहीं हो जाते हम इन्हें इसी तरह से थाली में छोड़ देंगे। पीनट ठंडे हो रहे हैं तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम लाल मिर्च, धनिया और लहसुन को भी कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले हम साबुत लाल मिर्च को रोस्ट करेंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मिर्च को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मिर्च को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्के से क्रिस्पी हो जाए इतना ही भूनना है। हमें मिर्च को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मिर्च अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जब मिर्च पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। अब हम कढ़ाई में फिर से थोड़ा ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया को भी लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें धीमी आंच पर धनिया को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। धनिया अच्छे से सिख गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है और इनसे खुशबू भी अच्छे से आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में फिर से थोड़ा ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन को रोस्ट कर लेंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और इनको भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इन तीनों चीजों को एक साथ क्यों नहीं रोस्ट किया, अलग अलग रोस्ट क्यों किया है। यदि एक साथ रोस्ट करते तो हमारा टाइम बच जाता, बट ऐसा नहीं है। यदि हम इन तीनों चीजों को एक साथ भूनते तो कोई सी चीजें कच्ची रह जाती और कोई सी चीजें जल जाती, इसलिए हम इन तीनों को अलग अलग रोस्ट किया है। लहसुन, मिर्च और धनिया को अलग अलग रोस्ट करने से
ये अच्छे से सीख भी जाएंगे और हमारी चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमें लहसुन को भी धीमी आंच पर रोस्ट करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, लहसुन भी सीख गए हैं। हमें लहसुन को इतना ही रोस्ट करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। लाल मिर्च, धनिया और लहसुन को रोस्ट करने के बाद हमने थाली में रख दिया है। अब हम इन्हें ऐसे ही ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमने लहसुन, धनिया और लाल मिर्च को ठंडा होने के बाद थाली से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और मिर्च भी ठंडी होने के बाद इस तरह से क्रिस्पी हो गई है। अब हम इन तीनों का पेस्ट बना लेंगे। अब हम इन सबको मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिर्च को इस तरह से तोड़कर डालेंगे। हमने सारी मिर्च को मिक्सी के जार में डाल दिया है। यदि हम जार में साबुत मिर्च डालते हैं तो मिर्च ठीक से पिसा नहीं पाती और सारी चीजें जार में नहीं आ पाती, इसलिए हमने मिर्च को तोड़कर इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। हमने धनिया को भी मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इनको पीस लेंगे। इस तरह से हमने धनिया, मिर्च और लहसुन को बारीक पीस लिया है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने पिसे हुए मसाले को मिक्सी के जार से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने पीनट वाली सूखी चटनी बनाने के लिए मूंगफली के दाने रोस्ट किए थे। ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको हाथ से इस तरह से मसल कर इनके सारे छिलके निकाल देंगे। इस तरह से हमने सारे पीनट को अच्छे से साफ कर लिया है और इनके सारे छिलके अलग कर दिए हैं। अब हम पीनट को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हम पीनट पाउडर बनाने के लिए मिक्सी का वही सेम जार ले रहे हैं जिसमें हमने अभी मसाले पीसे थे। हम पीनट को मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। हम पीनट को मिक्सी के जार में एक बार में नहीं पीसेंगे, दो बार में थोड़े थोड़े पीनट को पीसेंगे। अब हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हम पीनट पाउडर बनाने के लिए मिक्सी को एक साथ नहीं चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर रुककर फिर इसे ऑन करेंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरह से हमने इस तरह से पीनट को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। ज्यादा बारीक भी नहीं पीसा है और ज्यादा मोटा भी नहीं पीसा है, हल्का दरदरा पीसा है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम बचे हुए पीनट को भी इसी तरह से पीस लेंगे। बचे हुए पीनट को भी हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, इसे भी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने सारे पीनट पाउडर को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। आज की रेसिपी में हम आपको बता रहे हैं आसान तरीके से पीनट वाली सूखी चटनी कैसे बनाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम पीनट चटनी को फ्राई करेंगे। हमने पीनट चटनी फ्राई करने के लिए सेम वही कढ़ाई ली है जिसमें अभी हमने मसाले फ्राई किए थे। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज कर देंगे और ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। पीनट चटनी बनाने के लिए ऑयल आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। ऑयल हल्का गर्म हो गया है, अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे। अब हम कढ़ाई में बाकी मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून मोटी सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 चम्मच हींग पाउडर। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे। मसाले को अच्छे से मिला देंगे। हमने पिसे हुए साबुत धनिया, लाल मिर्च
और लहसुन को ऑयल में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज्यादा तीखी नहीं होती है, इससे चटनी का कलर अच्छा आएगा। यदि आप लोगों को कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पीनट वाली चटनी में नहीं ऐड करना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक। हम पीनट वाली चटनी बनाने के लिए 2 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। इन सब को भी अच्छे से मिला देंगे। आप लोग पीनट वाली सूखी चटनी बनाने के लिए अपनी पसंद के मसाले और अपने हिसाब से भी मसाले मिला सकते हो। हमें पीनट वाली सूखी चटनी तीखी ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने इसमें मसाले अपने हिसाब से ऐड किए हैं। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और सारे मसाले को 1 मिनट तक चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें धीमी आंच पर मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें पीनट पाउडर मिला देंगे। गैस की आंच धीमी रहने देंगे और पीनट पाउडर को भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। हमने पीनट को भी मसाले में अच्छे से मिला दिया है। पीनट वाली चटनी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम पीनट वाली चटनी को 2 से 3 मिनट तक फिर से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अभी कढ़ाई गर्म है, यदि हम चटनी को ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे तो चटनी जल जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमें गैस बंद करने के बाद चटनी को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम चटनी को पूरी तरह से ठंडी होने तक ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे। हमने ठंडा होने के बाद पीनट चटनी को कढ़ाई से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। पीनट चटनी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। इस तरह से पीनट वाली स्वादिष्ट ड्राई चटनी बनकर तैयार है। हम इसे पीनट वाली स्पाइसी सूखी चटनी भी बोलते हैं। इस तरह से पीनट वाली चटनी बहुत कम सामान में बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से पीनट वाली चटनी बनाकर हम पूरी, चपाती, पराठे और राइस के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से पीनट वाली ड्राई चटनी बनाकर आप लोग कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इसका यूज खाने में 2 से 3 मंथ तक कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी पीनट वाली सूखी चटनी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से पीनट वाली ड्राई चटनी बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।